तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में गेम को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप भी अपने लैपटॉप या पीसी में गेम को रिकॉर्ड करना सीखना चाहते हो तो आप जो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले अपने पीसी में OBS स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है। ये सॉफ्टवेयर जो एकदम फ्री एंड बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है। आपको जो है इस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में डाउनलोड कर लेना है। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको OBS स्टूडियो सर्च करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी। आपको इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से OBS स्टूडियो को डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जो इसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो अपने पीसी में OBS स्टूडियो को ओपन करना है एंड जैसे ही आप इसे पहली बार ओपन करोगे तो आपको जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है यहाँ पर गेम को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो दोस्तों, आपको जो गेम को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर सीन्स ऐड करना है। तो सीन्स को कैसे ऐड करते हैं, तो सीन्स को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हो आप वो नाम यहाँ पर लिख सकते हो एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये सीन्स ऐड हो चुका है। एंड सीन्स को ऐड कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर सोर्स ऐड करने हैं जिससे जो ये डिस्प्ले होगा उसको ये रिकॉर्ड करेगा। तो आपको जो है गेम की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है सबसे पहले अपने पीसी में गेम को ओपन कर लेना है। तो मैं पहले जो है अपने पीसी में गेम को ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने अपने पीसी में गेम को ओपन कर लिया है एंड ओपन कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको जो है फिर से OBS स्टूडियो को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको जो है ये सोर्स वाले ऑप्शन में आपको जो है यहाँ पर ये प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ये विंडोज़ कैप्चर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं आपको वो नाम यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर फ्री फायर नाम डाल देता हूँ एंड उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ये ओके पर क्लिक कर देना है एंड आपको फिर से ओके पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो है ये गेम की स्क्रीन जो है यहाँ पर ये आ चुका है एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आधी स्क्रीन आ रही है एंड इसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस प्रेस करना है एंड जैसे ही आप कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। एंड अब आपको गेम को रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो है स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड अब आप जो है यहाँ पर आसानी से जो है अपने गेम को रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पर गेम रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप जो है यहाँ पर वॉइस ओवर भी करना चाहते हो, मतलब कि आप यहाँ पर अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पर सोर्स वाले ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट कैप्चर का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने अपने पीसी में जो भी माइक कनेक्ट कर रखा होगा उस माइक को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये ऑडियो जो है यहाँ पर ऐड हो चुका है एंड अब आप जो है यहाँ पर गेम रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो है आप यहाँ पर जो भी कुछ बोलेंगे यहाँ पर जो है ये आपकी वॉइस को भी रिकॉर्ड करेगा। एंड अब आप जो है यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आप जो है यहाँ पर आसानी से अपने गेम को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।